राजस्थान में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बरसात देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे चलते लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं दौसा जिले के आसपास के इलाके भी बरसात से तर नजर आए। दौसा में भी अच्छी बरसात देखने को मिली। करीब 2 घंटे चली इस बरसात ने निश्चित तौर पर आम आदमी और किसानों को राहत प्रदान की है। आपको बता दें, किसान इस समय अपने खेतों में फसल बुआई का काम कर रहा है, वहीं आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है। इसी तरह से अगर लगातार बारिश होती रही तो राजस्थान में निश्चित रूप से जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। आज और बीते कल की बरसात को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान में मॉनसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून दक्षिण राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ेगा, लिहाजा आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में मॉनसून को छाने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। आपको बता दें, शनिवार की शाम और रविवार की सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 2 दिन तक बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं प्री मॉनसूनी गतिविधियों के बाद 22 जून से मौसम साफ हो सकता है। प्रदेश के सभी जिलों में इसके बाद कम से कम 3 दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं पूरे प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में अगले सप्ताह तक मानसून छा जाएगा। राजस्थान में मानसून पूरी तरह दस्तक दे चुका है। बीते कल से राजस्थान में मानसून की पहली बरसात हुई और आज दूसरी, जिसके चलते दौसा जिले के आसपास के इलाकों में अच्छी बरसात हुई। लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय अभी बीत चुका है और बरसात लगातार जारी है, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि इस बरसात का फायदा किसानों के साथ आम आदमी को भी मिलेगा, क्योंकि आसपास के जब छोटे मोटे नदी नाले और तालाब भरेंगे तो वहाँ का वाटर लेवल निश्चित रूप से अच्छा होगा, साथ ही उसका फायदा जानवरों को भी मिलेगा। लेकिन यह पहली और दूसरी बारिश है, इसके बाद राजस्थान में मानसून कितने दिनों तक सक्रिय रहेगा ये सब आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस मानसून से फायदा जरूर होगा, ये कहना निश्चित रूप से सार्थक होगा। HN पांडे, पंजाब के सी TV, दौसा।